तो अब हम जो है वो यहाँ पर माइनस का ही पुट करने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन आंसर जो है वो ऑड आ रहा है। तो फिर अब हम काम करते हैं इसको पॉजिटिव करके देखते हैं। हम पॉजिटिव 8 अगर कंसिडर करेंगे तो सेम 24 हो जाएगा, लेकिन साइन जो है वो माइनस का लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि हम जब 24 में से 9 को माइनस करेंगे तो हाँ माइनस 5 हमारे पास आंसर आएगा, और डिवाइडेड बाई जब हम 5 करेंगे तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा माइनस का 1। ठीक है, इसी तरह हमने 4 ऑर्डर पेयर इसके भी निकाल लिए और हमने 4 ऑर्डर पेयर हमने इसके भी निकाल लिए। अब हम ज़रा ग्राफ बनाते हैं, तो उसके लिए आपने एंड तक मेरी वीडियो को देखना है। ठीक है, ओके, सो तो ये हमारा ग्राफ पेज है, इसमें मैंने इसको इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लिया है, 4 इक्वल पार्ट्स में। लाइक यहाँ से टोटल बॉक्सेस 8 थे तो हमने 4 बॉक्सेस के गैप से लाइन ड्रा कर ली, यहाँ पर टोटल बॉक्सेस 10 थे हमने 5 बॉक्सेस के गैप से लाइन ड्रा कर ली। ठीक है, तो हमारे जो है वो ग्राफ पेज है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अच्छा, अब हमें ये करना है कि अपने ईजी के लिए, ताकि हमें बार बार पेज पर लगना ना पड़े, हम यहाँ पे बॉक्सेस बना देते हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 का बनाऊँगी, देन इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, हमें चूँकि 4 ऑर्डर पेयर हमने बनाए हैं तो हम यहाँ पर भी 4 बॉक्सेस बनाएंगे। ठीक है, 4 बॉक्सेस बनाएंगे, यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू, यहाँ पर वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 4 ऑर्डर पेयर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। एज इट इज़ यहाँ पर हम इक्वेशन 2 का करेंगे कंसीडर, जब तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू, यहाँ पर वाई की वैल्यू आएगी और सिंपली 1, 2, 3, 4 4 वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम पुट करना स्टार्ट करते हैं, जब हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने एक्स की वैल्यू कहाँ गया, सॉरी एक्स की वैल्यू हमने 3 पुट की थी, यहाँ से हमारा पॉजिटिव 2 आया था, तो हम यहाँ लिख देते हैं, हमने जब एक्स की वैल्यू 3 पुट की थी हमारा आंसर पॉजिटिव 2 आया था। यहाँ पर जब हमने एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 2 पुट की थी, यहाँ से हमारा नेगेटिव 2 आया था, पॉजिटिव 2 की थी तो आंसर हमारा नेगेटिव 2 आया था। और यहाँ पर देख लेते हैं हम, जब हमने 4 किया था तो 6 आया था, 4, 6, और यहाँ 1, -6। ठीक है, अब हम जरा अपने सेकेंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने सबसे पहले 3 पुट किया था तो आंसर हमारे पास कौन जाएगा, 2 आया था। ठीक है, सेकेंड में हमने 3 2 पर गया, -7 किया था तो 8 आया था, -2 किया था तो 5 आया था, -7 किया था तो हमारा आया था 8। और थर्ड हमने क्या किया था, -2 किया था तो -5 आया था, -2 किया था तो -5 आया था, और लास्ट हमने आई थिंक पॉजिटिव 8 किया था तो -1 आया था। राइट, पॉजिटिव 8 किया था तो हमारा -1 आया था, और यहाँ पर -2 पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव 5 आया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपनी आसानी के लिए जो है बॉक्स बना लिया है। अब हम ज़रा प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हैं, जो मेन पार्ट है हमारा आज के क्वेश्चन का। अपने ग्राफ को हम लेबल कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा वाई पॉजिटिव, ये हो जाएगा वाई डैश एक्स एक्सिस, और ये हमारा हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस। ये पॉइंट जो है ये इसको 0 पॉइंट भी कहते हैं, O पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यूज जो हैं वो 0 होती हैं। अब हम ज़रा प्लॉटिंग करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब देख लेते हैं हमारी इस इक्वेशन 1 में x की हायर वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो मतलब कि हमें जो है वो x में 4 चाहिए होंगे, तो क्या हम 5 इक्वल स्मॉल बॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं, हाई इक्वल कर सकते हैं, तो हम 5 स्मॉल बॉक्सेस ले लेते हैं। यहाँ हम लिख देंगे फाइव स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, और
सेम यहाँ पर बाई की वैल्यू में भी हम ये कर सकते हैं, फाइव स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू वन यूनिट। आप लिख दें कि यहाँ पर एक्स एक्सिस इक्वल टू वाई एक्सिस, ये सब तो आपको आता होगा ना, तो उस वजह से मैं इतना डिटेल में नहीं लिख पा रही, तो बस मैं चाह रही हूँ कि आपको ग्राफ वर्क समझा दूँ। तो यहाँ पर हमने प्लॉटिंग मैंने स्टार्ट की है क्योंकि हमने फाइव स्मॉल बॉक्सेस कंसिडर किए हैं, तो वन टू थ्री फोर, मैं वीडियो पॉज करके पहले इसकी प्लॉटिंग कर देती हूँ, फिर मैं आपको आपसे मिलती हूँ। चलिए, तो मैंने जो है वो लेबलिंग कर दी है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए हैं फाइव के गैप से, यहाँ पर नेगेटिव आ गए, यहाँ पर भी नेगेटिव हैं, और ये ऊपर की तरफ जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम ज़रा अब करते हैं अपना असली काम। यहाँ पर x, अच्छा यहाँ पर गिवन है हमें, जब हमने x 3 लिया है तो y की पावर, हमने y की पावर कह रही, सॉरी y की वैल्यू हमने 2 लेनी है। ठीक है, यानी x 3 है तो 2 है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम इस साइड में चले जाएंगे, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो जब हमने x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर x डैश नहीं है, x पॉजिटिव मैंने डैश लिख रखा है यहाँ पर, तो x की वैल्यू हमने जब 3 ली है तो y जो है वो 2 के इक्वल है, यानी यहाँ पर एक डॉट हम ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं ना, y 2 है, x 3 है, यहाँ पर इनका पॉइंट मीट कर रहा है, और यहाँ पर हम लिख देंगे 3 2। ओके, ये हमने दूसरा पॉइंट ट्राई कर लिया। देन हमारा है, जब हमने पॉजिटिव 2 लिया है तो नेगेटिव 2 y है। ठीक है, यानी पॉजिटिव 2 यहाँ है और नेगेटिव 2 y का यहाँ है, तो ये हो जाएगा कॉमन पॉइंट, यानी पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2। ठीक है, देन यहाँ पर 4 x है तो y जो है वो 6 है, 4x y पॉजिटिव 6 है, ये रहा पॉइंट। ठीक है, हमने 6 लिया था x को, सॉरी 4 लिया था x को, तो y जो है हमारे पास 6 आ रहा है। यहाँ पर हमारा पॉइंट, यहाँ पर हमारा पॉइंट नहीं मिलता है, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव 1 है और यहाँ पर वाई माइनस 6 है, यानी एक्स तो हमें पॉजिटिव से जाना है लेकिन माइनस 6 की तरफ आना है, तो इसलिए कि हम यहाँ आ जाएंगे पॉजिटिव 1 नेगेटिव 6 वाई का, नेगेटिव 6 वाई का यहाँ है, और ये रहा पॉजिटिव 1 एक्स का। इस पॉइंट में मीटअप होगी दोनों की, तो यहाँ हम लिख देंगे सिंपली 1 इंटू माइनस 6। ठीक है, अब हम जरा इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ जहाँ पॉइंट हमारा मीट कर रहा है, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई स्ट्रेट, गॉट इट। अब हम अपने दूसरे इस पे चलते हैं, तो यहाँ पर भी सेम कॉमन पॉइंट था 3 2, यहाँ पर भी 3 2 था, यहाँ पर भी 3 2 था, इस मीन हमारा सेकेंड पॉइंट जो होगा वो कॉमन यही होगा, हम अगेन लिख देंगे 3 2। ठीक है, यही पॉइंट जो हमारा कॉमन है। देन हमारा, अगर हमने माइनस 7 लिया था तो 8 था, तो माइनस 7 कहाँ है, ये रहा माइनस 7 एक्स का, और पॉजिटिव 8 ये रहा वाई का, ये पॉइंट लिखते हैं, यस ये यहाँ पर मीट करेंगे, यहाँ मीट करेंगे। ठीक है, यहाँ मीट करेंगे, सो ये हमारा आया है। अभी हमने माइनस 7 लिया था तो एक्स वाई हमारे पास 8 है, सेकेंड हमारे पास हमने माइनस 2 एक्स कंसिडर किया था तो पॉजिटिव 5 आया था, यानी हमने माइनस 7 एक्स लिखा, माइनस 7 जो इज वाई माइनस 2 एक्स कंसिडर किया है हमने, तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव 5 आई, यानी ये लाइन है यहाँ मीट करेगी। ठीक है,
माइनस टू पॉजिटिव फाइव राइट। अब हम थोड़ा लास्ट देखते हैं अपना, लास्ट हमारा है पॉजिटिव एट और माइनस वन, पॉजिटिव एट एक्स का और नेगेटिव का माइनस वन, ये रहा लास्ट में बिल्कुल, ये रहा पॉइंट मीट कर रहा है। और यहाँ हम लिख देंगे पॉजिटिव एट इंस टू माइनस वन। अब हम अपना जो है वो लाइन जो है लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ जहाँ मीट कर रहा है, ठीक है। सो ये तो कॉमन पॉइंट था, देन इसमें इसको फिट किया, एज यू कैन सी दैट कि हमने अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। थैंक यू सो मच। इसी तरह आप मेरा साथ देते रहिएगा लाते लगाने के बाद। आप देख सकते हैं ग्राफ जो हमारा ड्रॉ हो गया है, कॉमन पॉइंट भी एक था और हमारा जो ग्राफ बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ वंस अगेन और थैंक यू सो मच।